प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर। आज आप ऐसे में से कितने लोग हैं जो कि आप तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं भविष्य को लेके कि क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, क्या आप इस बात में तनाव है, क्या आप थक चुके अपने जीवन में, क्या जीवन की चिंताएं फ्यूचर की चिंताएं आपको खाई जा रही है दिन ब दिन और आप तनावपूर्ण उस परिस्थिति में आ गए हैं और आपको कुछ सोचता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं भविष्य के लिए मैं क्या करूं, और प्रेजेंट जीवन में ही आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कहता है। आपके इस तनावपूर्ण जीवन में और इस समय को संभालने में ये वचन आपकी मदद करेगा, और ये जब वचन को आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे जो भविष्य की चिंता है वो मुझे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए, और प्रभु मेरी भविष्य की चिंताएं करते हैं। प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। तो प्रभु का वचन आप पढ़िए, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब आपके मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं और बहुत तनावपूर्ण समय में आप रहे हैं, तो ये वचन आपकी सहायता करेगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग रहेगा, और ना तो वह तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहोवा पीसी हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा मेरी ओर मेरी सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी न रहे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना
जीवन और शांति है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब जो प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर आपको इस वचन से ब्लेस करे, और कभी भी आप तनाव हो, चिंतित हो, तो इस वचन को आप रोज सुने और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन को ब्लेस करे, आशीषित करे। हमारे इस वचन के वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।